हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस की, फिजिक्स की। कौन से टॉपिक की? जैसा कि आप लोग लेक्चर 8 आज हम लोग चलाने वाले हैं। लेक्चर 8 में हम लोग चर्चा करेंगे गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, यानी किसी भी गोली पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, आज हम लोग उसको चर्चा करेंगे। तो अब इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आपको आज की टॉपिक क्या पढ़ना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय पृष्ठ या गोलीय दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण क्या होता है वो जानेंगे, साथ साथ में जो है गोली दर्पण के प्रकार जानेंगे, और उसके बाद कुछ और टॉपिकों की जानकारी हम लोग लेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जो बच्चे चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देंगे। चलिए, तो आज सबसे पहली टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी हम लोग अगर एक ऐसा पारदर्शी माध्यम ले लें, एक ऐसा कोई पृष्ठ ले लें जिसका जो सामने वाला, ये जैसे आपने क्या किया कि ये कोई आपने पृष्ठ ले लिया, ये क्या है? पूरा गोलीय है। देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं भैया? हमने कहा कि ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी जिसका सामने वाला जो भाग है वो क्या है? गोली है। वो हमारे क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, एक ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझिएगा। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला आता है उत्तल दर्पण, यह दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण और दूसरा क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। चलिए ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया? एक ऐसा दर्पण या एक ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर यहाँ पृष्ठ न लिखने के, पृष्ठ से अच्छा है कि आप दर्पण लिख लीजिए तो और अच्छा लगेगा। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला उत्तल दर्पण, दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको टॉपिक बनाते हैं, उत्तल दर्पण। ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग जानकारी लेने वाले हैं उत्तल दर्पण की और एक तरफ उत्तल दर्पण। ध्यान से समझिएगा, एक तरफ उत्तल दर्पण आपको बता देते हैं और एक तरफ आपको हम बता देते हैं अवतल दर्पण। दोनों को जान लेते हैं, एक तरफ उत्तल दर्पण जान लेते हैं, एक तरफ अवतल दर्पण। ध्यान से ये देखिए, आइए अब उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? ऊ, इसका पहला वर्ड निकालिए आप, ऊ। ठीक, ऊ का मतलब होगा, यहां से ऊ का मतलब हम लोग समझते हैं, ऊ का मतलब होता है उभरा। ऊ का मतलब क्या निकाले? उभरा। ठीक, यानी
एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। आइए अब कैसे आपको कहे समझाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए आप, ये हो गया एक ऐसा एक गोली दर्पण, ये क्या हो गया? एक गोलीय दर्पण हो गया। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? एक गोली दर्पण हो गया। अब अगर इस गोली दर्पण को हम लोग अंदर की तरफ क्या कर दे, पॉलिश कर दे, अंदर की तरफ क्या कर दे, पॉलिश कर दे, अंदर की तरफ पेंट कर दे, तो ये कौन सा दर्पण बन जाता है? उत्तल दर्पण। ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पृष्ठ है, ये इसके पॉलिश करने के बाद जो वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ प्यारे बच्चों, ये पृष्ठ क्या उभरा है, इसमें क्या निकला है? ऐसे कुबर निकला है। ऐसे क्या निकला है? कुबर निकला। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है, ये जो इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ क्या है? उभरा है, ऐसे कुबर निकला हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो यही तो बता रहे हैं, ऊ का मतलब उभरा, यानी परावर्तक पृष्ठ अगर उभरा होगा तो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ये बातें समझ में आ रही है? यानी एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो, वो कौन से दर्पण कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा दर्पण जो अंदर की तरफ पॉलिश किया गया हो, जो अंदर की तरफ क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, और परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हो, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? वो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। मान लीजिएगा आप भूल जाए कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आप देखिएगा, ऊ से उभरा यानी एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ में कुबर निकला हो, ऐसे करके अपने हाथ को देखिएगा, ये देखिए इसमें क्या, अगर अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं तो इसमें क्या निकल रहा है? कुबर, यानी ये ऊपर की तरफ उभरा है, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये इसका कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ, ठीक। ये कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। तो इसके बारे में लिखेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, क्या हो? उभरा हो या बाहर की तरफ हो, उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, ध्यान समझिएगा। या दूसरी डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं? अथवा में क्या हो सकता है? या एक ऐसा गोली दर्पण जो अंदर की तरफ कलई किया गया हो, वो भी क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। जैसे आप अंदर की तरफ पॉलिश करोगे तो परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ हो जाएगा। तो लिखेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ पॉलिश किया गया हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये बातें इतनी समझ में आई? अगर कोई भी कहीं भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। आइए अब हम लोग जानते हैं अगला क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत होता है प्यारे बच्चों। आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ कलई कर देते हैं।
ये बाहर की तरफ क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। ये कौन से दर्पण हो गए, अवतल दर्पण। अब मान लीजिए हमने तो लिख दिया अवतल दर्पण, आप कैसे जानोगे कि ये अवतल दर्पण है? तो आइए पहचान बताते हैं। अवतल अ, इसका अ वर्ड निकाल दीजिएगा। इसका जो अ वर्ड है, अ का मतलब हो गया, अ का मतलब हो गया अंदर, अ का मतलब हो गया अंदर, या अंदर का मतलब समझ लीजिएगा धसा हो। क्या हो? धसा हो। अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया, एक ऐसा गोली दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण। क्यों गोली दर्पण कह रहे हैं? क्योंकि ये भैया गोली दर्पण का ही भाग है, ये गोली दर्पण के ही दो भाग हैं प्यारे बच्चों। तो एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ध्यान से देखिएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर है? ये है, ये वाले जो भाग है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की तरफ हो। देखिए हमने लिखा अ से अंदर, तो एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो या धसा हो, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। डियर स्टूडेंट एक बार फिर से क्लियर करते हैं, देखिएगा, एक ऐसा गोली दर्पण, एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर की तरफ हो? अंदर की तरफ हो, वो क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। या तो जो बाहर की तरफ पॉलिश किया जाता है, जो बाहर की तरफ पेंट किया गया हो, वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या प्यारे बच्चों? अगर कहीं भी कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा कि सर हमको ये टॉपिक नहीं आया, या आपने ये जो समझाया ये नहीं आया। तो आइए हम लिखते हैं। क्या हमने बताया? हमने बताया अवतल दर्पण के बारे में। क्या बताया अवतल दर्पण के बारे में? एक ऐसा गोली दर्पण, एक ऐसा गोली दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हो या अंदर की तरफ हो, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक, अवतल दर्पण कहलाता है। या जो बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो, अथवा करके, या बाहर की तरफ क्या किया गया हो? पॉलिश किया गया हो, या बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो, या बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो, वो भी कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमने दोनों बता दिए, गोली दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कुबड़ निकला हो, जिसके परावर्तक पृष्ठ में कुबड़ निकला हो, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। और जिनमें जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हो, वो क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। आप इसको अपने हाथ से भी समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ये जो हाथ का उल्टा भाग है ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कुबड़ निकले हैं, ये ऐसे उभरा हुआ है, यानी जिसका अब इस पे जब प्रकाश किरणें पड़ेंगी तो ये प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। अगर इसी हाथ को आप ऐसे उल्टा कर दिए तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये देखिए परावर्तक पृष्ठ किधर की तरफ है? अंदर की तरफ झुका है, अंदर की तरफ क्या है? धसा हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका सीधा हाथ अवतल दर्पण, उल्टा हाथ उत्तल दर्पण। तो आई होप कि आपको ये जो दोनों टॉपिक हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, क्लियर हो गए होंगे। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, अगली टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इन
जो भी अब आगे की टॉपिक आने वाली है वो टॉपिक जो है एक एक शब्द एक एक चीज़ें एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं एक एक लोगों को अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक ये हेडिंग है। क्या हमने बताया? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो कौन कौन से परिभाषाएं होते हैं आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्यान से समझिएगा। आइए दोनों को जानते हैं। सबसे पहले इधर जानेंगे, इधर उनका डायग्राम समझेंगे क्या क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली टॉपिक है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ध्यान से समझिएगा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है वो समझिएगा। जैसे आपने क्या ले लिया, आपने क्या ले लिया इधर समझिएगा जरा सा। आपने एक खोखला गोला ले लिया, एक गोला ले लिए, ठीक। अब इस गोले को बनाने के लिए जहां प्रकार रखे होंगे, इस गोले का जो केंद्र होगा, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि इस गोले को जब आप बना रहे थे तो गोले का कोई केंद्र होगा, गोले का कोई केंद्र होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आपने इसी पर प्रकार रखकर इसको ऐसे करके घुमा के गोला बनाया होगा। तो जो ये केंद्र आपका है, ये गोले का केंद्र है, इसे आप ओ से व्यक्त कर रहे हैं या तो सी से व्यक्त कर दीजिए। सेंटर मतलब केंद्र हो गया, तो इसे आपने सी से व्यक्त किया। ध्यान से समझिएगा, अब आपकी वक्रता केंद्र की डिफिनीशन बनने वाला है। अब आप करेंगे क्या, इसको खोखला गोला लेंगे। क्या करेंगे? एक खोखला गोला है, ये क्या है प्यारे बच्चों? खोखला गोला है। अब देखिएगा, अब आप करेंगे क्या, अब एक कैंची लेते हैं और कैंची लेकर इस खोखले गोले को क्या कर देते हैं? काट लेते हैं। इस खोखले गोले को काट लिए इधर से और इस खोखले गोले को काट लिए इधर से। ध्यान से समझिएगा, खोखले गोले को हमने काट लिया। अब खोखले गोले को काटने के बाद एक पृष्ठ, एक खोखले गोले को बाहर की तरफ पृष्ठ कलई कर दिए और एक खोखले गोले को किधर की तरफ कलई कर दिए? अंदर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ कलई किए वो कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल। और जो बाहर की तरफ कलई किए वो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा, अब क्या होता है, ये आपका उत्तल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, हमने क्या बताया, फिर से एक बार समझते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाते हैं उसी खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? चलिए एक बार और, हमने क्या बताया, ये जो गोली दर्पण है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसी खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये बातें समझ में आई? इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है।
इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे सी से व्यक्त करते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरी टॉपिक आती है, दूसरी क्या आ जाएगी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ध्यान से समझिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आइए ध्यान से, अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या जो होगी प्यारे बच्चों वो आप समझिएगा। अब क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि वक्रता केंद्र और वृत्त के परिध को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और वृत्त के परिध को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अगर आप जरा सा एक मिनट ये हेडिंग जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक हेडिंग और जान लेते हैं, उसको जानने के बाद वक्रता त्रिज्या जानेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। आइए पहले वो जानते हैं, जरा सा इसको मिटाते हैं। दूसरी हेडिंग क्या जान लेते हैं? ध्रुव। क्या जान लेते हैं? ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव ध्यान से समझिएगा, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? अब देखिए प्यारे बच्चों, यही आपने दर्पण बनाया है, ये आपका उत्तल है, ये आपका क्या है? अवतल है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि इसको एक मिनट के लिए मूव करते हैं, इसको मिटाते हैं, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, जिसे हम लोग पी से व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा सा समझिएगा, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी हमने क्या बताया, जो ये परावर्तक पृष्ठ रहेगा उसका मध्य वाला भाग ही दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, जिसे हम लोग कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। तो ये बातें नोट करते हैं। क्या नोट करेंगे? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पी से। इसे पी से व्यक्त करते हैं, ठीक। इसे किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। आइए, अभी हमने जैसा कहा था, अब हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है वो ध्यान दीजिए। ये आपने जान लिया P हो गया, ये जान लिए C हो गए। P और C को मिलाने वाली रेखा, P और C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। P और C को मिलाने वाली, देख लीजिए, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। और ये क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यही तो हमने बताया। अभी ये भी हमने क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आइए लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव पी व वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बीच की दूरी
दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, इसे आर से व्यक्त करते हैं ना, तो वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं जैसे आपने वक्रता केंद्र को बताया था, यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उसी खोखले गोले का त्रिज्या ही, उसी खोखले गोले का त्रिज्या ही दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो गया आपके वक्रता केंद्र, ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, क्या है मुख्य अक्ष वो समझिएगा, मुख्य अक्ष ध्यान से समझिएगा। अब इसको जरा सा बहुत ज़्यादा खिचड़ी मिचड़ी हो गया, इसको हम लोग फिर से मिनट बना लेते हैं, आइए समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। अभी हमने क्या बताया था कि एक खोखला गोला लेंगे, क्या लेंगे, एक खोखला गोला ले लेंगे। चलिए जैसा कि हम लोगों ने एक खोखला गोला ले लिया, फिर खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है सी, और ये इसको हम लोगों ने क्या कर लिया था, कैंची से काट लिए थे, इसको बाहर की तरफ कलई कर दिए थे, ये बाहर की तरफ कलई किए थे, तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अरे इसको अच्छे से बना लेते हैं जरा सा, इसको हम लोगों ने बाहर की तरफ कलई किया था तो ये कौन सा दर्पण हो गया था, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण हुआ था, अवतल दर्पण। और इधर जो हम लोग इसको कैंची से काटे थे और इसको जो है अंदर की तरफ कलई किए थे, इसको भी अच्छे से बनाइएगा, इसको हम लोग जो है अंदर की तरफ कलई किए थे तो ये कौन सा दर्पण हुआ था, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण हुआ था, उत्तल दर्पण। ये पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल का हो। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये बातें इतनी हो चुकी थी, अब हमको क्या पढ़ना, मुख्य अक्ष ध्यान से समझिएगा। पी और सी को मिलाने वाली रेखा, पी और सी को मिलाने वाली रेखा को सीधे आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो वो रेखा क्या कहलाती है, वो रेखा क्या कहलाती है, दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। या हम ये बता सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए और पीछे की तरफ भी बढ़ा दिया जाए तो जो रेखा बनती है वो रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। या हम ये बता सकते हैं वह रेखा जिस पे वक्रता केंद्र और पी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों स्थित होते हैं वो वह क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, सी और पी को मिलाने वाली रेखा को, सी और पी को मिलाने वाली रेखा आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़ा दें, आगे की तरफ और पीछे की तरफ खींच दें तो वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आइए हम लिख लेते हैं इसे, वक्रता केंद्र सी और, चलिए वक्रता केंद्र सी और हमने क्या बताया पी, सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या लिखते हैं, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव, और ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को, रेखा को आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त रेखा, तो प्राप्त रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्राप्त रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बातें इतनी समझ में आई, आइए अब हम लोग समझते हैं। ये चार चीज हो गए, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपके पेपर में
कई बार पूछा जाता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से क्या समझते हैं। तो उसको समझने के लिए इसको हमको मूव करना पड़ेगा, और मूव करने से पहले हमारे जो प्यारे स्टूडेंट हैं वो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे क्योंकि आप लोग फास्ट जमाने के हैं। तो चलिए, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या चर्चा करने वाले हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, दोनों को अलग अलग जानेंगे, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। आइए समझते हैं, एक तरफ बनाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। हमने क्या बताया, हमने कौन सा हमको पढ़ना है, अवतल, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ये जानना है, ध्यान से समझिएगा। फिर उधर की तरफ क्या जानना है, उधर जानना है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ध्यान समझिएगा। चलिए आइए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। अभी हमने बताया अवतल दर्पण बनाया कैसे जाता है, एक ऐसा दर्पण, थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा क्योंकि अच्छा लगना चाहिए, हम ही से अच्छा नहीं बन गया। चलिए, एक ऐसा दर्पण मैंने बताया ना, एक ऐसा दर्पण जो बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो, तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिए, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमने क्या बताया था, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और यहीं कहीं पर इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, यहीं कहीं पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को आगे और पीछे की तरफ क्या कर दे, बढ़ा दे, इनको इधर की तरफ जरा सा बढ़ा दें, और ऐसे ये क्या कहलाई, पूरी ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ये रेखा पूरी क्या कहलाएगी आपकी, मुख्य अक्ष, तो नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष, ध्यान से समझिएगा। ये अवतल दर्पण हो गए, आइए अब आपको क्या समझाना वो समझिएगा। अब क्या होगा कि अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, यहां दो चीज आप समझिए, एक समांतर और एक मुख्य अक्ष के, तो ये आपका रहा मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष रहा, अब इसके समांतर यानी जैसे मुख्य अक्ष है वैसे ही तो ये प्रकाश किरण भी है, देख सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से लड़ती हैं, जब दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर, हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे जाके मिल जाएंगी, वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के
पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहलाता है। इसे एफ से निरूपित करते हैं तो इसीलिए हमने कैपिटल एफ लिख दिए, मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान समझिएगा, इसी के साथ साथ एक चीज और समझते हैं कि यहाँ एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी। इसे हम लोग स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, तो ये भी साथ में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? फोकस दूरी में क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस वह ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। आइए अब जो हम लोग इधर अवतल में समझे हैं वही चीज उधर के इधर में समझेंगे, उत्तल दर्पण के लिए समझेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो एक उत्तल दर्पण बनाते हैं जिसको हम लोग किधर की तरफ कलई करेंगे, अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे। ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। सबसे पहले मुख्यच बनाएंगे, इसी पे क्या बनाएंगे? दर्पण का ध्रुव बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा वक्रता केंद्र को हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। अब ध्यान समझिएगा, अब आपने वहाँ क्या पढ़ा था, ये आपकी कौन सी रेखा है? इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। कौन सा नाम है? मुख्य अक्ष। अब क्या करेंगे? चलिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात ये इधर की तरफ लौट जाएंगी, यानी टकराने के पश्चात ये किरणें वापस लौट जाती हैं। पर हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि इनको अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये कहीं ज़रूर जाके मिलेंगी। तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों किरणें हैं वो किसी एक बिंदु से क्या होती हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। हमने क्या बताया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई, देखिए आती हुई प्रतीत हो रही है ना, आप इमेजिन करो कि आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, तो ये बिंदु क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, और इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसकी भी फोकस दूरी की डिफिनीशन यही रहेगी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। एक बात जरूर नोट कीजिएगा कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये बातें आप जरूर नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये बातें आपको जरूर क्लियर हो गई होंगी। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।